पन्ना से खबर सामने आ रही है। पन्ना जिला में अब भूमाफियन के संगे संगे शासकीय कर्मचारी बन गए भूमाफिया। पन्ना जिला के मुख्य द्वार कहे जावे वाले पर्यटक ग्राम मंडला की करीब 5 एकड़ चारागाह की जमीन कराई अपने नाम। पन्ना जनपद में करीब 30 साल से पदस्थ जनपद पंचायत खंड अधिकारी घनश्याम दास शर्मा पे लगे आरोप। पिछले 30 साल से पदस्थ है पन्ना जनपद में घनश्याम दास शर्मा। 1990-91 में पन्ना टाइगर रिजर्व कोर एरिया से लगत चारागाह की 5 एकड़ जमीन अपने माता मीरा शर्मा के नाम करवा ली है और अधिकारियों से साठ गांठ करके विस्थापन कर लो है। भूमि की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया के ऊपर। जीवे सैकड़ की संख्या में सागौन से लेके महुआ और अन्य प्रजाति के पेड़ भी लगे हुए हैं। शर्मा उत्तर प्रदेश के जिगनी ग्राम के मूल निवासी हैं और उनके पिता मंडला में सचिव पद पर पदस्थ थे। अपने पिता के अनुकंपा नियुक्ति सचिव पद मंडला में पदस्थ भए थे और घनश्याम दास शर्मा पर्यटक ग्राम मंडला में इनकी अरवन की संपत्ति भी है। पूर्व तहसीलदार पर्यटक ग्राम निवासी मंडला जगदीश प्रसाद तिवारी ने जन सुनवाई में कलेक्टर का आवेदन सौंपो है। अब आवेदन की का आश्वासन मिलत है। जो जानबे के लाने तो चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाने पर है। खास खबर बुंदेलखंड चुपर के संवाददाता पन्ना से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। ऐसी खबर जानबे के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपर पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।